हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एस ब्लॉक एलिमेंट्स। एस ब्लॉक एलिमेंट्स अगर करिकुलम देखें तो वो 11th क्लास में होता है एनसीईआरटी में, और 11th क्लास के स्टूडेंट्स को पढ़ना भी पड़ता है। अच्छा, पढ़ना तो 12th वालों को भी पड़ता है क्योंकि जेई का एग्ज़ाम लिखना है, ड्रॉपर्स स्टूडेंट्स होते हैं तो उनको भी पढ़ना होता है। बट इस चैप्टर के लिए मैं कुछ पॉइंट्स बताना चाहूँगा आपको। वैसे तो जैसे इसे ब्लॉक केमिस्ट्री बोलते हैं, ब्लॉक केमिस्ट्री में एस ब्लॉक हुआ, पी ब्लॉक हुआ, डी ब्लॉक हुआ, ये सब पढ़ने होते हैं आपको। 11th क्लास वाले स्टूडेंट्स सबसे पहले ब्लॉक केमिस्ट्री में एस ब्लॉक पढ़ते हैं। अच्छा, 11th वाले स्टूडेंट्स अब तक जैसे मान लो केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा है उन्होंने, या मान लो थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा है, या मान लो और जो चैप्टर हैं लॉजिकल चैप्टर केमिस्ट्री में पढ़े होते हैं, इवन केमिकल बॉन्डिंग इज ऑल्सो क्वाइट लॉजिकल। और जब वो एस ब्लॉक पढ़ना शुरू करते हैं तो कई बार उनको बड़ा अजीब सा लगता है कि इसमें तो याद करना है, इसमें तो बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस हैं, इसमें तो बहुत सारे फैक्ट्स हैं, इसमें तो वो बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं जो हमने केमिकल बॉन्डिंग में या पीरियोडिक टेबल के अंदर पढ़ी हुई हैं। बिल्कुल, एस ब्लॉक के अंदर एस ब्लॉक के एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो पॉइंट्स जनरल पॉइंट्स ही तो हैं जो हमने पीरियोडिक टेबल में या केमिकल बॉन्डिंग में पढ़े हुए हैं, वो सब पॉइंट्स भी यहाँ अपीयर होंगे। तो कई बार स्टूडेंट्स को एक कनेक्टिविटी थोड़ी कम लगती है इस चैप्टर में एस ब्लॉक में। उसका एक कारण और भी होता है कि जैसे एस ब्लॉक हैं उनके कंपाउंड्स हैं, मतलब सम ऑफ द कंपाउंड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टू स्टडी इन एस ब्लॉक। जैसे सोडियम कार्बोनेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सोडियम परऑक्साइड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये सब चीज़ें एंड क्विक लाइम, ये सब आपको पढ़ना होता है। और जब आप इनके रिएक्शंस पढ़ते हो तो रिएक्शंस में कोई रिडॉक्स रिएक्शन आ रही है, तो कोई एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आ रही है, तो स्टूडेंट्स 11th वाले थोड़े पजल्ड हो जाते हैं क्योंकि केमिकल रिएक्शंस का जो बेसिस है वो मेनली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होता है बेस्ड ऑन रिडॉक्स रिएक्शंस, एंड आयनिक इक्विलिब्रियम होता है बेस्ड ऑन एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन और इवन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन और समथिंग लाइक दैट। एसिडिक और बेसिक नेचर की भी वहाँ बात होती है। और कई बार 11th क्लास के स्टूडेंट्स ने, हो सकता है कि वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तो 12th का चैप्टर है पढ़ा ही ना हो, या हो सकता है आयनिक भी उतना ना पढ़ा हो, या पढ़ा हो या ना पढ़ा हो। तो कई बार जब बच्चे एस ब्लॉक पढ़ते हैं तो थोड़ा सा पजल्ड होते हैं 11th क्लास के, 12th क्लास वाले नहीं, ड्रॉपर नहीं, ना ना ना, उन्होंने तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ ली होती है उसके बाद ही वो एस ब्लॉक पढ़ते हैं या रिवाइज करते हैं। पढ़ा तो उन्होंने भी 11th पढ़ के ही तो वो 12th में गए होंगे, तो 11th जब उन्होंने पढ़ा होगा तो उनको भी एक कनेक्टिविटी मेरे बोलने से उनको समझ में आ रहा होगा 12th वाले स्टूडेंट्स को, कि अगर 11th रिवाइज कर रहे होंगे मेरे इन लेक्चर से, कि हाँ सही तो कह रहे हैं सर, 11th क्लास में जब हम एस ब्लॉक या बोरॉन कार्बन की केमिस्ट्री पढ़ रहे थे पी ब्लॉक में, तो कनेक्टिविटी थोड़ी कम महसूस होती थी, 11th क्लास में थोड़ी कम महसूस होती है, क्योंकि इसके अंदर जो केमिकल रिएक्शंस आएंगे, जो पॉइंट्स आएंगे, जो फैक्ट्स आएंगे, जो लॉजिक्स आएंगे, कई बार उन लॉजिक्स को समझने के लिए वी नीड द कॉन्सेप्ट्स ऑफ इवन 12th क्लास ऑल्सो। अब बात आती है 11th क्लास के बच्चों के सामने कि सर क्या करें, फिर क्या करें, क्या पढ़ना तो पड़ेगा ही ना, आपका जब स्कूल के एग्जाम्स होंगे तो वहाँ भी एस ब्लॉक में क्वेश्चन आएंगे, और इनफैक्ट पढ़ना तो है ही। अब हो सकता है वो उतनी अच्छी फीलिंग ना आए जितनी अच्छी फीलिंग आपको थर्मो पढ़ने से आती है, या केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ने से आती है, या और जो चैप्टर्स हैं केमिकल बॉन्डिंग पढ़ने से आती है, वैसी फीलिंग ना आए। बट जैसी भी फीलिंग आए पढ़ना तो पड़ेगा, कोशिश करेंगे कि ये जो पॉइंट्स बता रहे हैं वो याद करें। बट जब आप 12th क्लास में जाओगे वहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ोगे, और ब्लॉक केमिस्ट्री से पहले जब हम बात लेते हैं जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, कुछ इनऑर्गेनिक रिएक्शंस के कुछ मैकेनिज्म की बात करते हैं हम, उनके लॉजिक की बात करते हैं, सिमिलैरिटी टाइप ऑफ रिएक्शंस को हम एक जगह इकट्ठा करके बात करते हैं, तो स्टूडेंट्स को फिर अच्छी फीलिंग आनी शुरू हो जाती है, उनको चमकने भी लगता है, उनको दिखाई पड़ने लगता है कि यस, अगर इन दो तरह के कंपाउंड्स की रिएक्शन कराएंगे तो व्हाट कुड बी द टाइप ऑफ द प्रोडक्ट दैट कुड फॉर्म, तो वो उनको फील होने लगता है। और जो स्टूडेंट 12th और ड्रॉपर्स हैं वो एस ब्लॉक पढ़ेंगे तो उनको काफ़ी ईजी लगेगा अगर वो पी ब्लॉक के बाद पढ़ रहे हैं। तो 11th वाले स्टूडेंट्स के लिए मेरी एक एडवाइस है कि अभी तो जैसे पढ़ा रहे हैं याद करने वाले, जैसे कई बार चीज़ों को रटते हैं ना, रटने वाले मोड में भी पढ़ो तो कोई बुराई नहीं है, याद हो जाती हैं चीज़ें तो भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, नंबर तो मिल ही जाते हैं। बाकी 11th के बाद 12th तो पढ़ोगे ना,
ट्वेल्थ के अंदर और भी ब्लॉक केमिस्ट्री आएगी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आएगी, तो यू विल अंडरस्टैंड मैनी मोर लॉजिक्स एंड देन यू विल नॉट फेस दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम एज यू आर फेसिंग टुडे इन एस ब्लॉक और बोरॉन एंड कार्बन फैमिली, जो कि हम बाद में अभी लेंगे। ये 11th क्लास वालों के लिए मेरी तरफ से थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन था कि एस ब्लॉक को पढ़ें तो थोड़ा सा लॉजिक को बीच बीच में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है और चीज़ों को याद रखें, राइट। तो चलिए एस ब्लॉक एलिमेंट्स हेडिंग लिखेंगे। एस ब्लॉक एलिमेंट्स में वी हैव टू स्टडी टू ग्रुप्स, ग्रुप वन एंड ग्रुप टू, एल्कली एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो हेडिंग लिखो द एस ब्लॉक एलिमेंट्स। चलिए पहले बात करते हैं अल्कली मेटल्स की। ग्रुप वन, जैसा कि आप जानते हो दिस आर ग्रुप वन एलिमेंट्स, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। फ्रांसियम इज रेडियो एक्टिव, ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, थोड़ा लेस स्टडीड है, हाफ लाइफ इज नियरली 21 डेज। और बाकी सब ये मेटल्स हैं, ये सभी मेटल्स बनाते हैं। तो ऑल मेटल्स, ऑल रिएक्टिव मेटल्स, रिएक्टिव मेटल्स हैं स्टोर्ड इन केरोसिन ऑयल। हवा में भी रिएक्शन करते हैं, पानी में भी रिएक्शन करते हैं, पानी में वॉयलेंटली रिएक्ट करते हैं, हवा में ऑक्साइड बना लेते हैं। तो रखें कहाँ ताकि मेटल को हम सेफली प्रिजर्व कर सकें, तो दे आर स्टोर्ड इन केरोसिन ऑयल। केरोसिन ऑयल मतलब ऐसा जो कि बिल्कुल प्योर हाइड्रोकार्बन टाइप हो, केरोसिन ऑयल और अदर हाइड्रोकार्बन्स लिक्विड हाइड्रोकार्बन्स में इसको स्टोर किया जा सकता है। रिएक्टिव मेटल्स हैं ये। अच्छा, रिएक्टिव मेटल्स में मेटल्स हैं दीज मेटल्स, क्योंकि अल्कली मेटल्स हैं, पीरियोडिक टेबल में सबसे लेफ्ट साइज में है, साइज काफ़ी लार्ज होता है तो डेंसिटी काफ़ी लो होती है। तो कुछ पॉइंट्स ऐसे आएंगे। अच्छा, एटॉमिक एंड आयनिक साइज इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, आयोनाइजेशन एनर्जीज डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ये सब पॉइंट्स मैं नहीं लिखूंगा यहाँ पर, आप एक बार एनसीईआरटी जरूर पढ़ेंगे इन चैप्टर्स की, और ये पीरियोडिक टेबल में हम पढ़ चुके हैं। एटॉमिक साइज बढ़ता है टॉप टू बॉटम, आयनिक साइज बढ़ता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो ये पॉइंट्स हैं, बट उसके अलावा कुछ और पॉइंट्स भी हैं, जैसे हाइड्रेशन एंथैल्पी, हाइड्रेशन एंथैल्पी डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, फ्रॉम टॉप टू बॉटम ड्यू टू इंक्रीजिंग साइज। यही कारण है, जैसे लिथियम प्लस, सोडियम प्लस, पोटेशियम प्लस, रुबिडियम प्लस, सीजियम प्लस, डिक्रीजिंग हाइड्रेशन एंथैल्पी। हाइड्रेशन एंथैल्पी का मतलब एक मोल गैसियस आयंस को पानी में डुबो दो तो जो एनर्जी रिलीज होगी दैट इज कॉल्ड हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो डिक्रीजिंग हाइड्रेशन एंथैल्पी है। यही कारण है कि लिथियम आयन के जो सॉल्ट्स होते हैं या लिथियम के जो सॉल्ट्स होते हैं वो हाइड्रेट्स बनाते हैं, बाकी हाइड्रेट्स नहीं बनाते। तो लिथियम सॉल्ट्स फॉर्म हाइड्रेट्स, जैसे एग्जाम्पल LiCl.2H2O, NaCl, KCl do not form हाइड्रेट्स। ये हाइड्रेट्स नहीं बनाते, मॉइस्चर अब्सॉर्ब नहीं करते, डेलिक्वेसेंट नहीं है। ये एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन भी होता है, जो खाने वाला नमक है मोस्टली टेबल सॉल्ट क्या होता है, सोडियम क्लोराइड। और सोडियम क्लोराइड जो है वो बरसात में मॉइस्चर अब्सॉर्ब कर लेता है, गीला हो जाता है, और जबकि यहाँ कह रहे हैं कि ये हाइड्रेट नहीं बनाता, मॉइस्चर अब्सॉर्ब नहीं करता, डेलिक्वेसेंट नहीं है। NaCl इज नॉट डेलिक्वेसेंट, बट NaCl के थोड़ा सा अंदर मैग्नीशियम क्लोराइड प्रेजेंट होता है एज एन इम्प्योरिटी, तो मैग्नीशियम क्लोराइड डेलिक्वेसेंट है, जिसकी वजह से बरसात में नमक गीला हो जाता है। अच्छा, इसके बारे में दोबारा फिर बात करेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं पहले।
लिथियम सॉल्ट्स फॉर्म हाइड्रेट्स बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज. तो क्यों? क्योंकि लिथियम आयन का आसानी से हाइड्रेशन होता है, उसमें नेचर है, टेंडेंसी है टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर. नोट करते जाएं ये सब पॉइंट्स, तो इस तरीके से आप ये बात कह पाते हो. अच्छा, और भी लिखो कैरेक्टरिस्टिक्स में. ऑल एल्कली मेटल्स आर सिल्वरी वाइट, लाइट मेटल एंड हाईली रिएक्टिव. सॉफ्ट मतलब इतनी कि सोडियम पोटेशियम कैन बी कट विद नाइफ. सोडियम पोटेशियम कैन बी कट विद नाइफ. लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. हालांकि मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम. मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम. टॉप टू बॉटम मेल्टिंग पॉइंट, तो लिथियम का मेल्टिंग पॉइंट, लिथियम रिलेटिवली हार्ड भी है, तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम. मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इस तरीके से ये घटते हैं. तो डिक्रीजिंग हार्डनेस, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट. क्यों? अच्छा, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्यों? ड्यू टू वीक मेटालिक बॉन्डिंग. ये पढ़ा है केमिकल बॉन्डिंग में, बिल्कुल एंड में आपने, मैंने ही पढ़ाया है आप लोगों को केमिकल बॉन्डिंग में. मेटालिक बॉन्डिंग में हमने कहा था कि टॉप टू बॉटम आने पर मेटालिक बॉन्डिंग वीक पड़ती है, तो उनकी हार्डनेस भी घटती है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी उनके घट जाते हैं, और इस तरह की प्रॉपर्टीज अफेक्ट होती हैं ड्यू टू वीक मेटालिक बॉन्डिंग. साइज काफी लार्ज होने की वजह से मेटालिक बॉन्डिंग बहुत वीक होते हैं. हालांकि लिथियम इज रिलेटिवली हार्ड, तो हार्डनेस सबसे कम सीजियम की, लिथियम की हाईएस्ट. सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम तो इतने सॉफ्ट है, जैसे साबुन होता है ना, साबुन को चाकू से काट दो तो चाकू से आसानी से वो, जैसे साबुन कट करके दो टुकड़े, तीन टुकड़े में तोड़ देते हो आप, तो उसी तरीके से हम ये कट कर सकते हैं सोडियम पोटेशियम को, दे आर सो सॉफ्ट. मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट के ये ऑर्डर हैं. अच्छा, डेंसिटी भी घटती हैं, जैसे जनरल है ये, लाइट मेटल हैं, हाईली रिएक्टिव हैं, सॉफ्ट हैं, लो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, बट उसमें एक एक्सेप्शन है पोटेशियम का, वो याद रखना है. पहले ये पूरी बात नोट करो, और भी पॉइंट्स आएंगे, नोट इट डाउन. मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर कुछ ऐसा है, लिथियम, फिर पोटेशियम, सोडियम, ये एक्सेप्शन है, उसके बाद फिर रुबिडियम, सीजियम, इंक्रीजिंग डेंसिटी. चूंकि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है तो दिस कैन बी आस्क्ड इन एग्जाम. याद रखें जेई मेन में तो आजकल हर कुछ जो कुछ एनसीईआरटी में लिखा है, दे कैन आस्क एनीथिंग, सो दैट यू. तो डेंसिटी जो है वो काफी कम होती है, बट इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम. तो इस तरीके से आप ये बात कहते हो. बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, फ्लेम टेस्ट. एल्कली मेटल्स और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स दोनों के लिए ही बड़ा कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट है ये, पॉइंट ऑफ डिफरेंस भी है बाकी के मेटल्स से. दीज मेटल्स गिव द कैरेक्टरिस्टिक कलर इन द ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, बुनसन फ्लेम. सो एल्कली मेटल्स गिव कैरेक्टरिस्टिक कलर, एल्कली मेटल्स गिव कैरेक्टरिस्टिक कलर इन ऑक्सीडाइजिंग बंसन फ्लेम. बंसन फ्लेम होती है, बंसन बर्नर होता है, तो बंसन बर्नर में इस तरीके से ये दो कोन बन जाते हैं. ये आउटर कोन होता है और ऑक्सीडाइजिंग
फ्लेम, और ये जो इनर कोन है ये रिड्यूसिंग फ्लेम होती है। जब आप 12th क्लास में क्वालिटेटिव एनालिसिस पढ़ेंगे तो वहां पर हम फ्लेम को भी डिस्क्राइब करेंगे, फ्लेम पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो लगभग यहाँ बर्न कराते हैं, यहाँ दिस एट दिस पॉइंट फ्लेम टेस्ट इज डन। तो फ्लेम टेस्ट लगभग यहाँ करते हैं, आउटर कोन के अंदर है, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम है, टेम्परेचर थोड़ा सा रिलेटिवली लो टेम्परेचर, थोड़ा सा टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर हाईएस्ट जो होता है वो लोअर कोन के जहां टॉप पे होता है, समवेयर हियर टेम्परेचर इज हाई, हाई टेम्परेचर, हाईएस्ट टेम्परेचर जो है, और यहां लगभग इधर लगभग 1/3 ऑफ द हाइट ऑफ द आउटर कोन उस पे यहाँ ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में हम ये फ्लेम टेस्ट करवाते हैं जहाँ टेम्परेचर थोड़ा कम रहता है। हालांकि ये फ्लेम टेस्ट भी क्वालिटेटिव एनालिसिस में डिटेल में आपके सामने आएगा। तो फ्लेम टेस्ट होता है, फ्लेम टेस्ट में क्या होता है, एल्कली मेटल्स एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल्स और उनके कंपाउंड सॉल्ट्स, जब हम फ्लेम टेस्ट में उनको हीट करते हैं तो उनके सॉल्ट्स में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या उन मेटल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे गेट एक्साइटेड बिकॉज ऑफ द एनर्जी, और एक्साइटेशन के बाद जब वो नीचे फॉल डाउन करते हैं, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा था आपने कि जब एनर्जी देते हो तो इलेक्ट्रॉन्स गेट एक्साइटेड, आउटर इलेक्ट्रॉन्स गेट एक्साइटेड और जब फॉल डाउन करते हैं तो फिर इमिशन स्पेक्ट्रम शो करते हैं। इमिशन स्पेक्ट्रम में अगर विजिबल फोटॉन्स इमिट आउट होते हैं तो दे शो द कैरेक्टरिस्टिक कलर, सेम थिंग हियर, कैरेक्टरिस्टिक कलर इज शोन बिकॉज ऑफ द डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आफ्टर एब्जॉर्बिंग एनर्जी। तो कलर क्या है, ये कलर बड़े इंपॉर्टेंट हैं, वेरी इंपॉर्टेंट करके लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम, लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम, फ्रांसियम की तो हम बात ही नहीं करते, रेडियो एक्टिव है, थोड़ा कम स्टडीड है और ना हमसे सवाल पूछे जाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्रिम्सन रेड, दिस इज येलो, पोटेशियम इज वॉयलेट और लाइलैक, रूबीडियम इज रेड वॉयलेट एंड सीजियम इज ब्लू। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड रिमेंबर, डायरेक्टली पूछा जाता है क्वालिटेटिव एनालिसिस में भी और एस ब्लॉक के क्वेश्चंस में भी कि अ पर्टिकुलर कंपाउंड ऑफ अ मेटल इज फाउंड टू शो द फ्लेम टेस्ट विच इज येलो इन कलर। येलो बोलते ही आपके दिमाग पे पॉइंट आना चाहिए द सॉल्ट मे बी ऑफ सोडियम सॉल्ट। तो दिस इज एन इंपॉर्टेंस दैट यू विल रियलाइज इन क्वालिटेटिव एनालिसिस। गाइज नोट करें, फ्लेम टेस्ट इज इंपॉर्टेंट। तो ये फ्लेम टेस्ट है, साथ में कुछ जनरल पॉइंट्स ऐसे भी आएंगे, जैसे आप जैसे पोटेशियम एंड सीजियम है, ये इनका वर्क फंक्शन काफ़ी लो होता है, आपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पढ़ा हुआ, तो फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स बनाने में काम में आते हैं। तो पोटेशियम एंड सीजियम आर यूज्ड इन फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स। ड्यू टू लो वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन का सिंबल हम फाइ भी यूज करते हैं, फिजिक्स में भी होता है ये वर्क फंक्शन, 12th क्लास में पढ़ते हैं। तो पोटेशियम एंड सीजियम आर यूज्ड इन द फोटोइलेक्ट्रिक सेल्स ड्यू टू द लो वर्क फंक्शन। नोट करते जाओ, सब इंफॉर्मेशन है, याद करनी है, अच्छे से याद करनी है, नोट इट डाउन। चलिए गाइज, ये कुछ जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करी, अल्कली मेटल्स एंड जनरल प्रॉपर्टीज, नाउ केमिकल बिहेवियर की बात करें, केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल बिहेवियर कैसा होगा, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर,
हवा के अंदर एल्कली मेटल्स, ऑक्सीजन तो होता ही है, नाइट्रोजन भी होता है, तो ऑक्साइड्स तो बनाते ही हैं। ऑक्साइड के साथ कई बार लार्जर साइज के परऑक्साइड और सुपरऑक्साइड्स भी बनाते हैं, बट लिथियम की खास बात है वो ऑक्साइड भी बनाता है और नाइट्राइड भी बनाता है। एंड दिस इज द एक्सेप्शनल बिहेवियर ऑफ द लिथियम एंड दिस इज कॉल्ड डायगनल रिलेशनशिप। क्योंकि लिथियम का साइज काफ़ी छोटा है तो वो नाइट्राइड ही बनाता है, सिमिलर टू मैग्नीशियम। तो लिथियम शोज डायगनल रिलेशनशिप विद मैग्नीशियम, ये पॉइंट भी आएगा। तो पॉइंट वाइज अच्छा, इन जनरल मेटल्स की रिएक्टिविटी इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो रिएक्टिविटी ऑफ मेटल इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, रिएक्टिविटी बढ़ती है। सीजियम इज मोस्ट रिएक्टिव, लिथियम इज लीस्ट रिएक्टिव, बट क्या प्रिंसिपल प्रोडक्ट्स हैं? तो प्रिंसिपल कंबस्टन प्रोडक्ट में लिथियम, जैसे मान लो यहां लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ऑक्साइड कौन बनाएगा, परऑक्साइड कौन बनाएगा, सुपरऑक्साइड कौन बनाएगा? ऑक्साइड वो जहां पर ऑक्सीजन माइनस टू ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, डेफिनेशन ये है। परऑक्साइड वो जहां पर ऑक्सीजन माइनस वन में हो, और यहां ऑक्सीजन माइनस हाफ ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, ये डेफिनेशंस होती हैं। सीजियम, जैसे लिथियम मेनली Li2O बनाता है, मेजर प्रोडक्ट, जबकि Li2O2 भी थोड़ा सा बन जाता है जो कि माइनर प्रोडक्ट है, इट इज अ माइनर प्रोडक्ट। तो लिथियम रिएक्ट्स और अंडरगोज कंबस्शन इन एयर, गिव्स लिथियम ऑक्साइड, माइनर अमाउंट में लिथियम परऑक्साइड बनता है, सुपर ऑक्साइड नहीं बनता। जबकि सोडियम जो है, सोडियम ऑक्साइड माइनर प्रोडक्ट बनाता है और मेजर प्रोडक्ट बनाता है Na2O2 मेजर, सुपर ऑक्साइड नहीं बनाता। जबकि पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम ना परऑक्साइड बनाते ना ऑक्साइड बनाते, दे मेनली सुपर ऑक्साइड, व्हाट, जैसे KO2, RbO2, CsO2। और ये जो कंपाउंड्स होते हैं सुपर ऑक्साइड्स आर पैरामैग्नेटिक एंड कलर्ड। सर ये कैसे मालूम पड़ा कि ये पैरामैग्नेटिक? अरे केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा होगा ना, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में पढ़ चुके हैं हम डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के लिए कि हाउ टू फाइंड आउट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बाय मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो सुपर ऑक्साइड्स ऑफ पैरामैग्नेटिक एंड कलर्ड, दे आर येल्लो और ऑरेंज कलर कंपाउंड, जैसे पोटेशियम सुपर ऑक्साइड इज ऑरेंज। सो लाइक दैट यू से दीज आर द कंपाउंड्स। अच्छा, ये जो ऑक्साइड्स हैं इनमें जनरली ऐसा क्यों हुआ? ये एक जनरल रूल है कि जब कोई आयनिक कंपाउंड बनता है, आयनिक ऑक्साइड्स की नेचर है ये, तो जनरली लार्जर कैटायन स्टेबिलाइजेज द लार्जर एनायन। तो जो लार्जर पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम आयन हैं वो लार्जर सुपर ऑक्साइड आयन के साथ बेटर स्टेबिलाइज होते हैं, इसलिए वो सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। लिथियम छोटे साइज का है तो वो ऑक्साइड बनाता है, क्योंकि ऑक्साइड आयन का साइज छोटा है देन कंपेयर टू परऑक्साइड और सुपरऑक्साइड। तो लिखेंगे इस बात को एज ए इंपॉर्टेंट करके। स्मॉलर आयन, स्मॉलर कैटायन स्टेबिलाइजेस स्मॉलर एनायन एंड लार्जर कैटायन स्टेबिलाइजेज लार्जर एनायन। तो लार्जर कैटायन स्टेबिलाइजेज लार्जर एनायन, स्मॉलर कैटायन स्टेबिलाइजेज स्मॉलर एनायन, एंड दिस इज कॉल्ड लैटिस इफेक्ट। इसे लैटिस इफेक्ट बोलते हैं। लैटिस इफेक्ट का मतलब ये हुआ कि
लैटिस के अंदर, मतलब जो आयनिक कंपाउंड का क्रिस्टल बनता है, उस क्रिस्टल के अंदर सिमिलर साइज के आयंस ज़्यादा अच्छी पैकिंग शो करते हैं, ज़्यादा अच्छी उनके अंदर पैकिंग अच्छी होती है, तो वो एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाते हैं एंड दैट इज अ मोर स्टेबल स्ट्रक्चर। तो याद रख लेंगे, स्मॉलर कैटायन स्टेबिलाइजेज स्मॉलर एनायन, लार्जर कैटायन स्टेबिलाइजेज लार्जर एनायन। यही कारण है कि लार्जर पोटेशियम आयन, रुबिडियम आयन, सीजियम आयन टेंड टू फॉर्म सुपर ऑक्साइड्स, टेंड टू फॉर्म सुपर ऑक्साइड्स। एयर में बर्न करने पर, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने पर लार्जर कैटायन पोटेशियम रुबिडियम सीजियम जो है वो सुपर ऑक्साइड्स बनाते हैं, जबकि छोटे आयन ऑक्साइड्स या परऑक्साइड्स बना सकते हैं। सर दिस इज द कॉन्सेप्ट, दिस इज ऑल वेरी इंपॉर्टेंट। हालांकि इसमें और भी बात आएंगी, इसके हाइड्रोलिसिस की भी बात करेंगे कि ऑक्साइड्स सुपर ऑक्साइड्स परऑक्साइड्स पानी से रिएक्शन करके किस तरीके से बिहेवियर शो करेंगे। ये पहले नोट करो पूरी बात को, नोटेड डाउन। जैसे एडिशनल इंफॉर्मेशन है ये, जैसे मेटल ऑक्साइड है M2O, अल्कली मेटल में पानी से रिएक्शन कराओ तो दे विल फॉर्म हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा सोडियम ऑक्साइड को पानी में घोलो तो। और यदि परऑक्साइड है M2O2, ये परऑक्साइड आयनिक कंपाउंड है, सॉलिड होंगे। अगर पानी लिया है, पानी से रिएक्शन करा रहे हैं और कोल्ड वाटर लिया है, थोड़ा ठंडा पानी किया है, रूम टेम्परेचर से भी थोड़ा कम रखा है, तो फिर ये बना लेगा मेटल हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन प्लस H2O2 विल बी फॉर्म हाइड्रोजन परऑक्साइड। बट यही अगर मान लो वाटर थोड़ा वार्म ले लिया तो फिर ये डिकम्पोज हो जाता है, MOH बनता है, H2O2 नहीं मिल पाता, H2O2 डिकम्पोज हो जाता है H2O लिक्विड प्लस O2 गैस इज लिबरेटेड आउट। इनफैक्ट याद भी रखो, ये बात याद भी रखो, क्यों क्या हुआ, वार्म करने पर H2O2 अनस्टेबल है, डिकम्पोज हो जाता है। तो याद रखें H2O2 हीट करने पर डिकम्पोज हो जाता है H2O प्लस हाफ O2। तो H2O2 रिलेटिवली अनस्टेबल कंपाउंड है, अनस्टेबल कंपाउंड एंड इजीली डिकम्पोज ऑन हीटिंग टू गिव O2 गैस। अच्छा, इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, MO2 जो कि सुपर ऑक्साइड है, सुपर ऑक्साइड का पानी के साथ बिहेवियर थोड़ा अलग है। H2O लिक्विड जब वाटर से रिएक्शन कराओगे तो हाइड्रोक्साइड बनेगा, H2O2 भी बनेगा और O2 भी बनेगा अगर कोल्ड वाटर ले रहे हैं। और यदि आपने हॉट वाटर लिया, मान लो H2O ये लिया हॉट वाटर, गर्म पानी लिया, तो बस ये H2O2 डिकम्पोज हो जाएगा और बनेगा क्या, MOH प्लस H2O प्लस ये H2O2 भी टूट करके क्या बना देगा, O2 ही बना देगा। सो दीज आर द प्रोडक्ट्स। तो इसका मतलब ध्यान दो, अगर कोई O2 दे रहा है तो O2 तो एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो एनी स्पीशीज विच कैन फर्निश O2 देन विल बी ए गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे एनी स्पीशीज फर्निशिंग हाइड्रोजन विल बी ए गुड रिड्यूसिंग एजेंट। तो याद भी रखना है कि सुपर ऑक्साइड्स आर बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन परऑक्साइड्स, विच इज मच मच मोर देन ऑक्साइड्स, डिक्रीजिंग ऑक्सीडाइजिंग पावर। डिक्रीजिंग ऑक्सीडाइजिंग नेचर होती है। अच्छा, ऑक्साइड्स हैव नो ऑक्सीडाइजिंग नेचर, नो ऑक्सीडाइजिंग नेचर इन जनरल।
तो मेनली ऑक्सीडाइजिंग नेचर किन की होती है? परऑक्साइड्स एंड सुपर ऑक्साइड, दे आर वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स. तो दे आर वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स. ओ ए मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, आर ए मतलब रिड्यूसिंग एजेंट. तो सुपर ऑक्साइड एंड परऑक्साइड्स आर द गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स. दीज ऑल रिएक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छा, इसी में एक और इन्फॉर्मेशन थी, हम बात कर रहे थे अल्कली मेटल्स का कम्बस्टन प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे इन एटमॉस्फेरिक एयर. अब एयर में तो N2B है, केवल लिथियम ही है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ऑन कम्बस्टन इन एयर ओनली लिथियम फॉर्म्स नाइट्राइड. तो लिथियम जैसे रिएक्शन करता है, अब N2 के साथ Li3N भी बनाएगा और O2 के साथ Li2O भी बनाएगा. ये पानी से रिएक्शन करेगा, तो अभी भी दिखाया है मेटल ऑक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड बना लेंगे, LiOH बना लेगा. और ये पानी से रिएक्शन करेगा, तो ध्यान दो LiOH के साथ साथ अमोनिया विल बी लिबरेटेड. तो अमंग एल्कली मेटल्स केवल लिथियम ही है जो ऑक्साइड के साथ साथ नाइट्राइड भी बनाएगा, बाकी सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम केवल ऑक्साइड बनाएंगे, परऑक्साइड या सुपर ऑक्साइड ही बना सकते हैं, बट दे विल नॉट फॉर्म नाइट्राइड. तो दिस इज द एक्सेप्शनल बिहेवियर ऑफ लिथियम. और ये बात तो हम कह ही रहे हैं कि लिथियम एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करता है अमंग द एल्कली मेटल्स. क्यों? बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज. You will learn it later. It shows better properties similar to the magnesium, which is alkaline earth metal. तो guys ये सब points थे. अच्छा, इसको mix मत होने देना, ये था point. कट तो नहीं गया, मैं एक बार जरा check कर लूँ, जरा एक बार ध्यान देख लें इसको. नहीं, सही है, पूरी बात आ रही है, note करो पूरी बात. चलिए इसके बाद बात करेंगे रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर, वाटर के साथ रिएक्टिविटी. ये पूरा नोट कर लें पहले. B, reactivity towards water. अच्छा, ये अभी हमने थोड़ी देर पहले बात कही थी, एल्कली मेटल्स बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नेचर के होते हैं, ना हवा में रख सकते हो खुला उनको और ना पानी में रख सकते हो. पानी से भी रिएक्शन करते हैं, वायलेंटली रिएक्ट करते हैं, एक्सेप्ट लिथियम. तो लिथियम थोड़ा जेंटली रिएक्ट करता है, तो लिथियम रिएक्ट्स gently with water, other alkali metals react violently with water. पानी के साथ violently react करते हैं, violently मतलब explosively. बहुत तेजी से रिएक्शन होती है, बहुत फास्ट रिएक्शन होती है. अच्छा, रिएक्टिविटी का ऑर्डर हम पहले ही कह चुके हैं, लिथियम की रिएक्टिविटी कम है, सीजियम की रिएक्टिविटी मैक्सिमम है, एंड टॉप टू बॉटम आने पर रिएक्टिविटी ऑफ द मेटल्स इंक्रीजेस. तो लिथियम रिएक्ट जेंटली विद वाटर. तो क्या इनफैक्ट, जैसे मान लो M सॉलिड है, वाटर से रिएक्शन कराओगे तो इट फॉर्म्स MOH प्लस हाफ H2 गैस. तो हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड आउट. इनफैक्ट ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दीज मेटल्स लिबरेट H2 गैस व्हेन रिएक्टेड विद स्पीशीज हैविंग एसिडिक हाइड्रोजन. एसिडिक हाइड्रोजन जैसे कहाँ होता है? ROH में एल्कोहल,
आर सी ओ ओ एच इस टाइप के, जैसे सी टू एच टू, इस तरह के जो कंपाउंड्स होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, अल्कोहल्स हो गए, एसिटिलाइड्स या एसिटिलीन हो गया, एसिडिक हाइड्रोजन है इसमें, HCl हो गया, H2SO4 हो गया, एटसेट्रा, इनके साथ रिएक्शन कराओ, दे विल लिबरेट हाइड्रोजन। तो जैसे सोडियम मेटल है, आप इसकी रिएक्शन ROH से करा दो, RCOH से कराओ, C2H2 से कराओ, HCl से कराओ, H2SO4 सॉल्यूशन से कराओ, क्या बना देगा ये हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा। और साथ ही साथ जैसे मान लो RONA बना लेगा, या RCONA बना लेगा, या Na2C2 बना लेगा, सोडियम एसिटिलाइड, एसिटिलीन के साथ रिएक्ट, ये एसिटिलीन है और ये सोडियम एसिटिलाइड बनता है, कार्बाइड्स होते हैं, तो लाइक दैट। और मान लो HCl के साथ NaCl बना लेगा, H2SO4 के साथ सोडियम सल्फेट बना लेगा, एटसेट्रा। तो कहने का मतलब, कहीं भी एसिडिक हाइड्रोजन हुआ, ये रहा एसिडिक हाइड्रोजन, ये है एसिडिक हाइड्रोजन, ये रहा एसिडिक हाइड्रोजन, ये है एसिडिक हाइड्रोजन, एसिडिक हाइड्रोजन उड़ा देगा एसिडिक हाइड्रोजन को, एसिडिक हाइड्रोजन को पकड़ करके लिबरेट करा देगा हाइड्रोजन गैस, और बाकी का इस तरीके का कंपाउंड बनाएगा। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। अमोनिया भी काउंट कर लो, और भी ले लो, जैसे NH3 अमोनिया से भी रिएक्शन कर लेगा, अमोनिया गैस से, अमोनिया गैस में भी तो एसिडिक हाइड्रोजन है, सो दिस विल लिबरेट, जैसे सोडियम है, अमोनिया से रिएक्शन कराओ तो NaNH2 गैस के फॉर्म में रिएक्शन कराओगे तो हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करेगा एसिडिक हाइड्रोजन होने की वजह से। तो दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। ये था रिएक्टिविटी टूवर्ड्स वाटर, नोट करें पूरी बात।